Authentic, original, and better than our right. Hello everyone, I'm back with the chapter 4 standard 8 social studies, and today we are going to talk about how the traders became the rulers. But before starting the video, I would like to make a small request. If you are the new member and if the first time you come on my channel, please like and subscribe my channel so that you can get this notification whenever I post a new video. Alright, so let's start the chapter. So chapter 4 is all about the Britishers' arrival, and basically they came from their England country for the trade purpose, not to rule initially stages. देखते हैं आगे क्या हुआ. The children were engrossed in reading the stories of two cats and monkeys. जो बच्चे थे वो बहुत बिजी थे दो बिल्लियों की कहानी और एक मंकी की कहानी सुनने में रिसेस टाइम में. On reading the story, Jay and Mitali were making fun of each other. और जब वो स्टोरी पढ़ रहे थे तो जय और मिताली एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे. The class teacher who was sitting beside them said, उनकी जो टीचर साथ में उनके लंच कर रहे थे, उन्होंने बोला, children, this too is a policy. ये अपने आप में एक पॉलिसी है. The third party takes the advantage of quarrel between the two. और हमेशा यही होता है कि दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होती है तो उसका फ़ायदा तीसरा व्यक्ति उठा लेता है. ब्रिटिश ने भी यही पॉलिसी अपनाई थी. जय ने पूछा, सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है. टीचर ने कहा, लेट्स गो टू द क्लास, क्लास में चलते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल फ्रॉम ओवर द इंडियंस. और किस तरह ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने अपना राज यहाँ पर चलाया. By the mid of 18th century, British had to start the emerge as strong power on the Indian political horizon. 18th century के mid में Britishers आए थे और बहुत ही strong power के साथ Indian political horizon यानी politics में आए. Do you know the British came to India only for the trade? I told you in the earlier also कि Britishers यहाँ पर trade करने के मकसद से आए थे, king बनने के मकसद से नहीं. Initially, they took the permission trade in Indian states. Indian states में उन्होंने permission ली trade करने के लिए. And then, how did they became the rulers? कैसे वो rulers बने पूरे इंडिया के. History of British rule जो है वो आई तब ऐसे question से भरी हुई है. To serve the economic interest, एक पैसे कमाने के लिए they increase the political hold. पैसा कमाने के लिए उन्होंने politics में गए, government बनने की कोशिश की उन्होंने. And with the use of British diplomatic tactics, मतलब उन्होंने षड्यंत्र रचे, conspiracy की, एक दूसरे के प्रति kings को आपस में लड़वा दिया और इसका फ़ायदा हमेशा ब्रिटिशर्स ने उठाया. यही तो पॉलिसी थी कि दो लोग के बीच में लड़ाई करवाओ और थर्ड फ़ायदा पाओ, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. Wellesley policies of expansion. जब वेलेसली इंडिया आए एज अ गवर्नर जनरल, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कि कौन टिक पाएगा इंडिया में. इट वॉज नेसेसरी टू चेक द फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया. और बहुत ज़रूरी हो गया था कि फ्रांस को रोकें, हम ब्रिटिशर्स रोकें, ताकि वो ब्रिटिश लोग जो हैं वो इंडिया पर राज कर पाएँ. इसलिए उन्होंने फ्रांस को हटाने की सोची. वेलेसली ने एक नया प्लान लाए जिसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस. एज पर द स्कीम, इस प्लान के अंतर्गत क्या था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट अगर ये अलायंस मानती है तो उसको एक आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी. आर्मी भले ही ब्रिटिशर्स बना के देंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो आर्मी थी उसका पूरा खर्चा, आर्मी की सैलरीज, उनका खाना पीना, सारा मेंटेनेंस देंगे किंग. यानी ब्रिटिशर्स ने अपनी खुद की ही आर्मी बना ली और सब नाम दे दिया कि हाँ ये किंग को हेल्प करेगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं. सो उन्होंने अपनी आर्मी बनाई बिना कोई पैसा खर्च किए. हाउएवर द प्रिंसली स्टेट्स अलाउड नहीं थे कि किंग कभी भी इच्छा हो या आर्मी को यूज़ नहीं कर सकता था जब तक वो ब्रिटिशर्स से पूछ न ले. ये सिस्टम जो था लोगों को पहले स्टार्टिंग में लगा कि अच्छा है, सिक्योर है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि हम तो जाल में फंस गए. सब्सिडियरी अलायंस एक स्लो पॉइजन की जैसे था जो सारे स्टेट्स को ख़राब कर रहा था. और स्टार्टिंग में कौन बना विक्टिम, हैदराबाद, मैसूर.
अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड्स ऑफ वडोदरा, पेशावर्स ऑफ पुणे, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, ये पहले जो लोग थे जिन्होंने पहली बार सब्सिडियरी अलायंस मान ली. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज. निज़ाम ऑफ हैदराबाद पहले विक्टिम बने वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस के, फिर बाद में मैसूर, अयोध्या, तंजोर और कर्नाटका भी को भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. ब्रिटिशर्स ने मराठा से फाइट की एंड कॉन्सिक्वेंटली वो हार गए एंड एक्सेप्ट करनी पड़ी उन्हें सब्सिडियरी अलायंस. इसकी वजह से लॉस भी हुआ निज़ाम इन हिज फाइट विद द मराठास. ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट. तो पहले थे जिन्होंने अलायंस मानी. टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर ने ना बोल दी, लेकिन ब्रिटिशर्स अब जीत चुके थे एंग्लो फोर्थ मैसूर वॉर में. सो मैसूर को ज़बरदस्ती ये सब्सिडियरी अलायंस माननी पड़ी. मराठा चीफ जो थे उन्होंने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ की नाना फडणवीस के डेथ के बाद, और वन बाय वन सारे के सारे मराठा स्टेट्स डिवाइड एंड रूल के जाल में फंस गए. दूसरी स्टेट्स जो थी अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फारुखाबाद, इन सबको भी सेम चीज़ों की प्रॉब्लम हुई. इस तरह 7 साल के अंदर अंदर वेलेस्ली ने अपनी कंपनी का रूल बहुत एक्सपैंड किया और ब्रिटिशर्स को सुप्रीम पावर बना दिया पूरे के पूरे इंडिया में. अब हम जानेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटीज मतलब एग्रीमेंट, जब उन्होंने एग्रीमेंट किया था मैसूर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठा चीफ्टेंस एंड ब्रिटिशर्स जो है नॉर्थ साइड में मूव कर गए. फिर वो फ्रेंडशिप की उन्होंने नेपाल से, क्योंकि उनसे थोड़ा डर था उनको, इसलिए उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली. उन्होंने लड़ाइयाँ जीती आगे के बाउंड्रीज के साथ, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किया सिख किंग महाराणा रणजीत सिंह, क्योंकि उनको पता था कि वो उनसे जीत नहीं पाएंगे. सो महाराजा रणजीत सिंह ने हेल्प की ताकि वो अफगान्स के साथ से जीत पाए. द ब्रिटिश क्या एम्बिशन था कि वो भी सिख किंगडम को जीत सकें, लेकिन नहीं जीत पाए बिकॉज उस समय महाराणा रणजीत सिंह जिंदा थे और किंग थे, इसीलिए उन्होंने ये सपना छोड़ दिया बिकॉज महाराणा रणजीत सिंह वॉज अ वेरी ब्रेव किंग. सो दे केप्ट फ्रेंडली रिलेशन विद महाराणा रणजीत सिंह, इसीलिए उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली महाराणा रणजीत सिंह से. रणजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर एट दैट टाइम और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स, और इस तरह उन्होंने स्टेट बचा लिया अपना. ही अटेंड विक्ट्रीज, उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स भी जीती. आफ्टर हिज डेथ पंजाब को एनार्की महसूस हुई. एनार्की मतलब विदाउट किंग कोई स्टेट चल रहा हो तो. गवर्नर जनरल सर हेनरी एंड हार्डिंग केम टू इंडिया. सर एच हार्डिंग इंडिया आए एंड ब्रॉट द सिख रूल कम्प्लीटली, और उन्होंने सिख रूल कम्प्लीटली लेके आए अंडर द ब्रिटिश रूल. पूरे सिख लोगों को अपने अंडर कर दिया था और पॉलिसी का नाम था विद द पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस एंड एनेक्सेशन, मतलब हर बात में वो दखलअंदाजी करेंगे और जब इच्छा होगी किसी की भी स्टेट्स छीन लेंगे. एंड दीज आर द पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस एंड एनेक्सेशन. डेलहाउसी पॉलिसीज ऑफ एनेक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे. द एम ऑफ वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, जो एम था वेलेस्ली पॉलिसी जो थी वो क्या था कि नौकर बनाना था उन्हें जो आसपास के किंगडम थे, बिना कोई पैसे खर्च किए, बिना कोई ब्रिटिशर्स की चीज़ें खर्च किए. स्टेट ने एक्सेप्ट की सब्सिडियरी अलायंस, ब्रिटिशर्स को अपना फ्रेंड माना लोगों ने, और क्या हुआ एब्सेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट, दे बिकेम इररिस्पॉन्सिबल. और क्या उनको डर लगने लगा कि कुछ डर ना हो, तो उन्होंने क्या किया अपनी ड्यूटीज़ निभाई नहीं. पहले तो बोल दिया कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं किया ना. एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ पैसा कलेक्ट करते थे, बाकी किसी को प्रॉब्लम है कोई सॉल्व नहीं करता था. द आउटकम ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिश वॉज द एनार्की, और इससे क्या हुआ सारे स्टेट छीन रहे थे तो सारे जो किंग्स थे वो जा चुके थे, मर चुके थे, तो किंगडम खाली हो चुके थे और जो किंगडम चल रहे थे विदाउट किंग, यानी एनार्की आ गई थी षड्यंत्र की वजह से. इंडियन रूलर्स गॉट ट्रैप्ड, और इसमें इंडियन रूलर्स फंस गए. ब्रिटिशर्स को एक एक्सक्यूज मिल गया कि ठीक है अब हम, अब किंग तो है नहीं तो क्यों ना हम ही इंटरफेयर करें, हम ही बताएं आपको क्या काम करना है. एंड दे एनेक्स्ड मैनी स्टेट्स, इसी बहाने से उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स छीन लिए. देयर आफ्टर म्यांमार,
पंजाब ये सब एनेक्स हो गए, और अगर कोई किंग का बेटा ही नहीं है तो उसकी स्टेट तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स छीन लेते थे। और इस तरह सतारा, झांसी, नागपुर ये सब शिकार बने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के। नेक्स्ट पेज में है डेलहाउजी एम्ड एट हेल्पिंग द ब्रिटिश ट्रेडर्स। डेलहाउजी का मन था कि वो हेल्प करें ब्रिटिश ट्रेडर्स को ताकि वो ह्यूज प्रॉफिट कमा सकें टी कॉफ़ी से, कॉटन से, जो वो इंडिया से ले जाते हैं और फिर बनाकर वापस इंडिया में ही बेचते हैं महंगे दामों पे। ब्रिटिशर्स शांत करने के लिए क्या किया उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन पावर थोड़ी स्मूथ कर दी, थोड़े चेंजेस लेके आए डेलहाउजी इंडिया में। उनके समय काल में पहली बार रेलवे लाइंस बनाई गई थी बिटवीन मुंबई एंड थाने 1853 CE में। मॉडर्न पोस्टल सर्विस आई इंडिया में, वायरलेस सिस्टम आया इंडिया एंड इंग्लैंड में, वो भी डेलहाउजी लेके आए थे। ये पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज, और बल्कि उन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया इंडिया के लिए। जो ऊटपटांग की हरकतें थी, चाइल्ड मैरिज करवाना, सती सिस्टम और विडो को शादी ना करने देना, ये सब उन्होंने हटा दिया। इंग्लिश एजुकेशन लेके आए एंड 3 यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में 1857 CE में। सो ये रिफॉर्म्स जो बेसिकली थे वो एक्चुअली उनका मेन एम तो यही था कि वो ब्रिटिश रूल बड़ा एक्सपैंड कर पाएँ, अच्छे से राज कर पाएँ, पब्लिक रिवोल्ट ना करें। लेकिन इससे कहीं ना कहीं इंडियंस को भी फ़ायदा हो गया। ऑल दो द इंडियंस बेनिफिटेड, इससे इंडियंस को फ़ायदा हुआ एंड दे हैड टू सफ़र अ लॉट विद द ब्रिटिश रिफॉर्म, लेकिन कई में तकलीफ़ें भी हुई। अब फाइनली डिससेटिस्फैक्शन लोगों में आ ही रहा था। आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, डेलहाउजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन पूरे देश को हिला चुका था। गुस्से सबको आ रहा था, इसकी वजह से लोग नाखुश थे ब्रिटिशर्स से। आपने पिक्चर देखी होगी क्रांति एंड मंगल पांडे, यू हैव सीन देम एंड ट्राई, अगर नहीं देखी है तो मूवीज आप देख सकते हैं। एट दिस टाइम द पीपल वर सप्रेस्ड, लोग बहुत गुस्से में थे एंड डिक्टोरियल रीजन ऑफ ब्रिटिश, वहाँ पर डिक्टेटरशिप आ गई थी ब्रिटिशर्स में। इन द एडिशन टू दैट बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाए गए डेलहाउजी में, लेकिन जो डेलहाउजी का प्रोग्राम था या प्लान था उसने क्या किया, आग में घी डालने वाला काम कर दिया, लोगों को और गुस्सा कर दिया। डिफरेंट पीपल अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। इससे कुछ फ़ायदे भी हुए, जैसे रेलवे है, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, वेस्टर्न एजुकेशन है, और जो पुरानी सोच वाले लोग थे उनको लग रहा था कहीं ना कहीं कि ब्रिटिशर्स हमारे कल्चर को ख़राब कर रहे हैं। और ये रिफॉर्म्स जो ब्रिटिशर्स बना रहे थे वो बेसिकली अपने लिए बना रहे थे ताकि कोई रिवोल्ट ना करे और शांति से वो इंडिया में राज कर सके। और जो डिससेटिस्फैक्शन था लोगों का वो एकदम टॉप मोस्ट पीक पे पहुंच चुका था, जिसकी वजह से लोगों ने रिबेल किया यानी आंदोलन किया, और फाइनली हमारा पहला फ्रीडम मूवमेंट जो हमें पहली बार फील हुआ कि नहीं अब तो ब्रिटिशर्स को निकालना ही है, वो था 1857 में। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरी जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है।
बदनामियां मेरी जैसे जैसे वो आंख मिचोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे वो ईद में होली मेरी जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब बस क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है।